अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक नई रेसिपी ग्रीन चिली मटन कढ़ाई या हरी मिर्चों वाली मटन कढ़ाई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं मटन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ग्रीन चिली मटन कढ़ाई या हरी मिर्चों की कढ़ाई बनाने के लिए हमें आधा किलो मटन की ज़रूरत है। इसमें दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें स्लाइस में जो है वो रफ कटिंग कर ली है। इसके अलावा इसमें दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं जो कि 10 से 12 आप ले सकते हैं इसके अंदर, एक टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा इसमें एक टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक की पेस्ट है और आखिर में दम में डालने के लिए इसमें अदरक है जैसे जुलियन कटिंग किया हुआ है, आधा टी स्पून इसमें काली मिर्च है और कुछ इसके अंदर हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद जो आप ऊपर दम पे डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज वाइट से पिंक कलर की हो गई है, इसको हमने डार्क कलर नहीं करना। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। ज़रा सा भूनने के बाद इसमें ये टमाटर डाल देंगे। पाँच मिनट तक टमाटर को इसमें सॉफ्ट करने के बाद अब हम इसमें ये सारा मटन डाल देंगे। दो मिनट तक मटन को इसमें भूनने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें 2 से 3 ग्लास तक पानी डालने के बाद इसको अब मैं कवर कर दूंगी। मटन तैयार है, 40 से 45 मिनट में, 45 मिनट में ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर 1/4 कप दही डाल देंगे। इसको उस वक्त भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ये काली मिर्च डालेंगे, ये बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको 5 मिनट के लिए अब मैं दम पे रखूँगी। मटन बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट तक मैंने इसे दम पे रखा है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हरी मिर्च मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, उसके साथ ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।